40 पठान, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक इन्फेंट्री रेजिमेंट था। इसका क़याम 1780 में अमल में आया। शुरू में इसका नाम बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रखा गया। 1857 की जंगी आज़ादी के बाद 1858 में इसको शाहजहानपुर लेवी का नाम दिया गया। 1903 में 40 पठान के नाम से नामजद किया गया। 1922 में इसे 14 पंजाब रेजिमेंट का पांचवा पठान बटालियन बना दिया गया। तकसीम हिंद के बाद ये पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बना और अब तक पंजाब रेजिमेंट के 16वीं बटालियन के नाम से मौजूद है। 1890 तक ये हिंदू और सिखों पर मुश्तमिल रेजिमेंट थी। 1890 में ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की पहली रेजिमेंट बना दी गई, जिसमें सारे सिपाही सिर्फ पठान शामिल किए गए और 1903 में 40 पठान के नाम से मशहूर हुआ। 40 पठान ने नहायत बहादुरी के साथ बहुत से मिशन्स में हिस्सा लिया। 1904 में तिब्बत मिशन फोर्स को तकवीत देने तिब्बत पहुंचे। पहली जंगी अजीम में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से हिस्सा लिया और हांगकांग के महाज पर लड़ाई लड़ी। 2 अप्रैल 1915 में 40 पठान फ्रांस पहुंचे और जवान मर्दी के बदौलत कुछ ही दिनों में इनको फ्रंट लाइन हवाले की गई। यहां पर मिशन मुकम्मल करने के बाद इनको जर्मनी भेज दिया गया, जहां पर नहायत बहादुरी के साथ लड़े और दुश्मनों को नाको चने छबवाए। जर्मनी के महाज फतह करने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इनको मशरकी अफ्रीका भेज दिया, जहां पर 1918 तक दुश्मनों के साथ लड़ते रहे। अफ्रीका में नहायत सख्त और लंबी महाज लड़ने के बाद 40 पठान ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक नाम कमाया। 1919 में 40 पठान रेजिमेंट ने तीसरी अफगान लड़ाई में भी हिस्सा लिया। दूसरी जंगी अजीम में भी इस रेजिमेंट ने भरपूर हिस्सा लिया। 40 पठान की जवान मर्दी, दलेरी, बहादुरी और कुर्बानियों को सराहते हुए अंग्रेज सरकार ने पुराने अटक पुल के करीब दरियाए सिंध के किनारे मौजूदा पख्तूनख्वा के इलाके खैराबाद की तरफ एक कारतूस बनाया है, जो अब तक इस रेजिमेंट के बहादुरी की याद दिलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।